गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट, आई एम सतोष कुमार पाठक एज इंग्लिश टीचर डील विथ यू। टुडे वी नो अबाउट यूजेज ऑफ द, जैसा कि पहले क्लास में मैंने ए और यूजेज ऑफ ए और एन के बारे में बताया था, अब मैं यूजेज ऑफ द के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, मैंने पहले क्लास में इसकी पूरी एक्सप्लेन कर दी है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए यूजेज ऑफ द, जिस चीज को हम पहले से जानते हो, जिस चीज के बारे में पहले से पूर्व परिचित हो, जो कि उसके बारे में पता हो हमको पहले से, उसमें हम द यूज करते हैं। हम देखिए कहाँ कहाँ द यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज, पहले हम यूज करेंगे जैसे कि किसी भी पूरी जाति को बोध कराने के लिए हम द यूज करते हैं। जैसे गाय दूध देती है तो ऑब्वियसली गाय तो दूध देती ही है, द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द काउ गिव्स मिल्क। अब ये पूछिए कि द क्यों ना, द इसलिए ना, गाय गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ये तो सब सबको पता है कि गाय जो है दूध देती है, तो हम लोग उसमें द लगाएंगे। ये पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं कि जितनी भी गाय होती हैं वो दूध देती हैं। अब द हाउस इज यूजफुल। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा है द हाउस इज यूजफुल, घोड़े उपयोगी होते हैं। ये घोड़ा यहाँ जो द हाउस लिखा हुआ है ये पूरे घोड़े के बारे में बता रहा है कि ये घोड़े उपयोगी होते हैं। घोड़े से बहुत से काम किए जाते हैं, आपका कार्ट्स खींचे जाते हैं, सामान ढोए जाते हैं, ये हमको पता है कि घोड़े जो हैं सवारी की जाती है, पता है कि घोड़े जो है बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए इसके आगे हम द, यानी कि यहाँ पे पूरा जाति बता रहा है, घोड़ों की पूरी जाति उपयोगी होती है, काल की पूरी जाति दूध देती है, इसलिए इसमें हम द का यूज करेंगे। आप देखिए सेकंड में है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स ओशन सी, इन सभी के आगे हम गल्फ, इन सभी के आगे हम द लगाए। जैसे द गंगा रिवर क्या है, नदी, द गंगेज, गंगा के बारे में हम जानते हैं कि नदी है, द टेम्स, द गोदावरी, ये सब के जिस जिन नदियों के बारे में पहले से जानते हैं उनमें द लगेगा, ओशंस में द लगेंगे, द पार्शियन गल्फ, गल्फ ये खाड़ी, इसको गल्फ को खाड़ी कहते हैं, तो द पार्शियन गल्फ, जितने भी समुद्र हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, खाड़ियां हैं, उन सभी के आगे द लगेगा। बिफोर हम नेक्स्ट में जानेंगे, बिफोर द न्यूज पेपर्स, न्यूज पेपर नेम, न्यूज पेपर नेम, न्यूज पेपर का नेम तो आपको पता होगा, जैसे देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, इन सभी के आगे हम द लगाते हैं। अब देखिए होली बुक्स जो ग्रंथ हैं उनके आगे भी द लगता है, बिफोर सेक्रेड बुक्स,
जो ग्रंथ हैं उनके आगे भीतर लगता है। इसी देखिए द रामायणा द बाइबल द पुराण, ठीक है। अब दिशाओं के पहले भी डायरेक्शंस के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ, इन सभी के आगे हम द यूज करते हैं। आप जानेंगे बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिफोर हिस्टोरिकल कल प्लेसेस। अब जैसे देखिए हिस्टोरिकल प्लेसेस में क्या है, द रेड फोर्ट, द गोल घर पता है आपको, पटना में है। इन सभी के आगे हम द लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री सुपरलेटिव डिग्री जो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में थर्ड पार्ट को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे देखिए दिस इज द बुक, दिस इज द बेस्ट बुक, देखिए यहां पे बेस्ट आया है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट बुक। और ऑर्डिनल नंबर के आगे भी द रखता है, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स के आगे भी द लगता है। जैसे देखिए जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, देखिए ऑर्डिनल नंबर है ना, ऑर्डिनल नंबर के आगे आपको द लगता है। इस तरह से हमने आज जाना कि द कहां कहां हम लोग यूज करते हैं, ये सारे चीजों को हम लोग नोट्स के द्वारा फिर से आपको मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां कहां आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, द यूज हम नहीं करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, इस आर्टिकल को हम यूज कहां कहां नहीं करते हैं उस चीज के बारे में भी जानेंगे। देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द मतलब यहां पे द जहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते उस चीज के बारे में, आर्टिकल द यूज नहीं कर सकते हैं उस चीज के बारे में जाने। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ टाउन्स, नेम्स ऑफ टाउन्स, टाउन्स के आगे द नहीं लगता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली पटना जयपुर
इन सभी क्या है टर्म्स के नेम क्या द नहीं लगता है। अब आइए नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के आगे भी द नहीं लगता है। नेम्स ऑफ कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, पाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज के नेम के आगे द नहीं लगता है। जितने भी कंट्रीज है उनके आगे द नहीं लगता है। और जो ग्रेट पर्संस हैं, नेम्स ऑफ पर्संस जो पर्संस हैं उनके भी व्यक्तियों के नाम के आगे भी द नहीं लगता है। महात्मा गांधी, नेहरू, चर्चिल, मैंने पर्संस के नेम के आगे भी हम लोग द नहीं लगाते हैं। नेम ऑफ माउंटेन पिक्स, देखिए माउंटेन पिक्स, नेम्स ऑफ माउंटेन पिक्स, माउंटेन पिक्स माउंट आबू, माउंट आबू, स्नोडन, जो सिंगल नंबर में माउंटेन होंगे उनमें डर नहीं लगेगा। नेम ऑफ स्ट्रीट्स नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स जो गली मोहल्ले हैं तो उनके आगे भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। जैसे फ्रेजर रोड, गांधी रोड, इन सभी स्ट्रीट्स, जितने भी स्ट्रीट्स होते हैं उनके आगे भी द नहीं लगता है। नेम्स ऑफ डेज के आगे भी द नहीं लगता है। जैसे देखिए संडे, मंडे, नेम्स ऑफ मंथ के आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, इनके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ गेम्स, खेल के आगे भी हम द यूज नहीं करते हैं। नेम ऑफ गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, देखिए इन सभी जगह हम लोग द यूज नहीं करते हैं। आज हमने कहा यूजेज ऑफ द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स द, कहाँ कहाँ हम द का यूज करेंगे और कहाँ कहाँ द का यूज नहीं करेंगे, इस चीज के बारे में आपको नोट्स के द्वारा भी हमला करा दिया जाएगा। और आर्टिकल an द से रिलेटेड आपको वर्क भी दिया जा रहा है जो कि आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दिया जाएगा। आप घर पर इसको बनाएंगे और सॉल्व करके फिर से आप व्हाट्सएप पे डालेंगे, डालने के बाद फिर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है,
हम ये सारे आपको रिमेम्बर घर पर रख करके कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड और वर्क दिया जाएगा। आज हम आपको व्हाट्सएप पे इसका 1 और 10 से रिलेटेड वर्क प्रैक्टिस आपको डाल दिया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।